हाय फ्रेंड, मिली किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सर्दियों का मौसम चल रहा है और बहुत सारी सब्जियां मार्केट में आ रही हैं, तो मैंने सोचा आज वेजिटेबल सूप बनाया जाए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लिया है गाजर है, मटर है, ये फ्रेंच बीन्स है और ये हरी प्याज है, स्प्रिंग ऑनियन, इसको बारीक बारीक काट लिया है। जो सफेद पार्ट है वही लिया है मैंने। और ये शिमला मिर्च है, इसको थोड़े थोड़े मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी को बारीक बारीक काटा है। और ये अदरक लहसुन और मिर्ची है, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और ये धनिया लिया है, ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये लाल मिर्च पाउडर है, काली मिर्च है, और ये कॉर्नफ्लोर है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम बटर ले लेंगे, आप चाहे तो रिफाइंड के साथ भी बना सकते हैं या सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे बटर के साथ बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। जब तक हमारा बटर पिघलता है, साइड में हम डाल देंगे अदरक लहसुन और मिर्ची, इसको भी अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। बस हल्का सा ये सॉल्टेड हो जाए, इससे ज्यादा नहीं भूनना है इसको। और हम इसमें प्याज डाल देंगे, स्प्रिंग ऑनियन है, हरा पार्ट, जो इसका हरा पार्ट है उसको मैंने नहीं काटा है, सफेद पार्ट को ही काट के लिया है। आप चाहे तो सूखा प्याज भी यूज कर सकते हैं, हरा प्याज जो होता है वो ज्यादा टेस्टी लगता है सूप वगैरह में। बस हल्का सा भून जाए प्याज हमारा, पानी देखिए प्याज ने पास्ता पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। बस अब इसके अंदर हम अपनी सब्जियों को डालेंगे, पत्ता गोभी को डाल दूंगी, गाजर डाल दूंगी, शिमला मिर्च को डाल देंगे, मटर डाल देंगे। हमने बहुत सारी सब्जियां यूज की हैं, ये फ्रेंच बीन्स है, सबको मिक्स कर देंगे बढ़िया से। बस हमें इसको ज्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि सब्जियों को पानी नहीं छोड़ने देना है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, हम इसके अंदर करीब करीब 1 लीटर पानी डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हरा हरा। सर्दियों का मौसम चल रहा है और बहुत सारी सब्जियां मार्केट में आ रही हैं, तो हमें सूप तो बनाना ही चाहिए। तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। देखिए मैं आधा चम्मच नमक ले रही हूँ, ये खाने वाला चम्मच है, और 1/3 के करीब मैं लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। थोड़ा सा काली मिर्च ले रहे हैं, 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाली थी इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से और भी फ्लेवर मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं, सब्जियां भी बहुत सारी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपके अगर आसपास में ब्रोकली है तो ब्रोकली डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, आप जो भी डालना चाहें अपने सूप में डाल सकते हैं। बस इसे बॉयल आने का वेट करते हैं।
फुल फ्लेम रखनी है क्योंकि हमें अभी सूप को बॉईल करना है, तो इसलिए फ्लेम को फुल रखना है। चलिए बाकी अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालते हैं। देखिए ये बॉईल हो रहा है, हमारा सूप अच्छे से बॉईल होने लगा है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। देखिए कितना अच्छा, ये मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसके अंदर मैं दो चम्मच पानी डालूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। चलिए अब हम इसको सूप में डाल देते। देखिए एक एक चम्मच करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे। इससे हमारे सूप में थिकनेस आएगी और ये एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा दिखने लगा है। अब हम पूरा डाल देंगे। देखिए अब इसके अंदर हम फ्रेशनेस के लिए धनिया ऐड करेंगे। धनिया हमारी किचन गार्डन की है, एकदम फ्रेश है। देखिए कितना अच्छा सूप बन के रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और सर्व करते हैं। देखिए हमारा सूप तैयार है। हमारा सूप बहुत अच्छा बना है। आप एक बार टेस्ट करके जरूर देखिए और जरूर एक बार बनाइए और मुझे बताइए कि आपका सूप कैसा बना था। अगर अच्छा बने तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।